हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं IGIMS। कि ये मेन गेट है IGIMS का। IGIMS थोड़ा सा अंदर में है, इसका अपना रोड है। यह एक सेमी गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस बॉडी है। यह IGIMS पटना में 107 MBBS सीट है और ये 2011 का स्टेबलाइज्ड है। इसका एनुअल ट्यूशन फी तकरीबन 81,667 रुपये हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं कैंपस में। देखिए ये कितना शानदार रोड बनाया हुआ जाने के लिए। यहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा जाने के लिए। ये देखिए, यह आपको अंदर घुसते ही एक पावर ग्रिड विश्राम सदन मिलेगा। यहाँ पे पेशेंट्स के लिए है, ये करने का उत्तम व्यवस्था है। देखिए कितना साफ़ सुथरा है कॉलेज, ओवरऑल सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। ये देखिए, ये मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन है। यहाँ पे दूसरा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आपको सबसे पहला मिलेगा मुंह एवं दंत रोग विभाग, बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है। यह IGIMS बिहार का बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सफाई सुथराई है और ये पटना में स्थित है। एम्स के बाद सबसे अच्छा कॉलेज, ओवरऑल सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। ट्रॉमा सेंटर है। अब अच्छा ट्रॉमा सेंटर है। और फिर ये देखिए बिहारी जुगाड़, यहाँ पे कैसे दवा का बिक्री हो रहा है। ये स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा से। ये IGIMS का हर एक बिल्डिंग शीशा से बना हुआ है। यह एक इसको बहुत अच्छा आकर्षित बनाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका अच्छा योगदान है। यहाँ चलते हैं कैफेटेरिया देखते हैं। ये कैफेटेरिया हर जगह आपको यहाँ पे कैंटीन मिल जाएगा हर जगह। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा पेशेंट पूल है, यहाँ पे अच्छा इलाज होता है। डिपार्टमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, फर्टिलिटी मेडिसिन मिलता है यहाँ पे हर जगह मेडिसिन के शॉप मिल जाएंगे आपको। इसमें बहुत सारे मेडिसिन शॉप है, यहाँ पे आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कैंपस इसका बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको फैसिलिटी अच्छा मिलता है। ये देखिए यहाँ पे OPD बहुत अच्छा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इसलिए कैंपस को बहुत साफ सुथरा रखा जाता है, बहुत साफ सुथरा रहता है कैंपस इसका। ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे बिहार में एम्स के बाद सबसे अच्छा कॉलेज है। थोड़ा सा फी इसका हाई है, लेकिन इसका जितना फैसिलिटी है उसके हिसाब से कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको हरियाली मिल जाएगा, यहाँ पे हर मोड़ पे एक पार्क टाइप का बना रहता है। फायर पंप रूम है इमरजेंसी सुविधा के लिए। ये बिल्डिंग है, OPD का बिल्डिंग है। ये सब यहाँ पे देखिए, कुछ ये बोर्ड लगा हुआ है डिपार्टमेंट्स का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, एस्ट्रो इंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इधर आपको इस पर सब कुछ मिलेगा, पेट लीवर हर जगह बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ बहुत सिस्टमाइज्ड इसका कैंपस है, साफ सुथरा भी रहता है और आपको अनेक सुविधा भी मिलता है। यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा जगह है, आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस है, इमरजेंसी सेवा के लिए बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस है। पॉली क्लिनिक ब्लॉक है और यहाँ पे आपको ऑबियस ब्लॉक है और गाइनो डिपार्टमेंट है। यहाँ पे तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट भी हैं। यह बिहार में ये सब गाइने का OPD है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे PMR OPD है,
फिर यहाँ पे ऑडिटोरियम है, ये देखिए इसके अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे देखिए अंदर का एक व्यू, इससे बाहर आ गए, रोड पे आ गए, ये कितना अच्छा एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखा गया है, क्लीननेस का अच्छा ध्यान रखा गया। ये स्टाफ पार्किंग है और यहाँ आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ये डिपार्टमेंट बिल्डिंग है, यहाँ पे वार्ड ब्लॉक है, ये बहुत बड़ा वार्ड ब्लॉक है और एक पीछे भी वार्ड ब्लॉक बन रहा है जहाँ बोले चलेंगे, बहुत जगह कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। यहाँ पे एक इंदिरा गांधी का स्टैचू लगा हुआ है, इंदिरा गांधी मेमोरियल पार्क। यहाँ पे कैंपस में इंदिरा गांधी का एक स्टैचू भी है। जनरल मेडिसिन कॉम्प्लेक्स, ईडी कॉम्प्लेक्स, सब डिपार्टमेंट आपको दिखाते हैं। तो हम लोग आ गए बॉयज हॉस्टल में, जो MBBS बॉयज हॉस्टल है। देखिए यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे खेलने का के लिए पिच बन रहा है, यहाँ पे फुटबॉल कोर्ट है और यहाँ पे क्रिकेट का भी पिच है। चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं हॉस्टल के तरफ। देखिए हॉस्टल का बिल्डिंग अच्छा बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग MBBS जूनियर के लिए है, MBBS के लिए है, और एक बिल्डिंग PG के लिए है। देखिए MBBS बॉयज हॉस्टल, ओल्ड बॉयज हॉस्टल के, यहाँ पे आप अपना बाइक रख सकते हैं, यहाँ पार्किंग का बहुत ज़्यादा जगह है। और ये देखिए सामने ही फील्ड है यहाँ पे खेलने के लिए, देखिए दिखाते हैं आपको हॉस्टल। करते हैं हम कट ऑफ का, 2020 में जनरल का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया था 638, BC का 635, EBC का 631, EWS का 634, A का 522 और ST का 557, और सेकेंड राउंड का कट ऑफ गया था 628 जनरल का, तो रैंक था 9028, BC का 626 पे मिला था, रैंक था 9542, EBC को 623 पे मिला था, रैंक था 10,659, और EWS को मिला था 626 पे, रैंक था 9,763, और SC को मिला था 508 पे, रैंक था 79,642, और ST को मिला था 510 पे, रैंक था 17,980। अब आते हैं हम कॉलेज के कैंपस में और सब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कॉलेज का और सब डिपार्टमेंट और लेक्चर रूम लाइब्रेरी सब इधर है, लाइब्रेरी और लेक्चर रूम बाद में आपको दिखाएंगे। न्यू मेडिकल कॉलेज है और लाइब्रेरी बिल्डिंग है और कैफेटेरिया बिल्डिंग है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट है,
स्टाफ्स के लिए क्वार्टर है। देखिए पीछे से IGMS का जो लेक्चर रूम है, लाइब्रेरी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ये पीछे से भी बहुत शानदार दिखता है। ये कितना शानदार व्यू आ रहा है। लेक्चर रूम के पीछे का है, जैसे यहाँ पे हर एक बिल्डिंग पे शीशा लगा हुआ है, ग्लास का बहुत अच्छा होटल जैसा हर एक बिल्डिंग बनाया गया है। यहाँ पे भी कुछ डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट है यहाँ पे। देखिए इधर गर्ल्स हॉस्टल कहता है, अभी यहाँ काम चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल, ये देखिए गर्ल्स हॉस्टल का बिल्डिंग है साइड से, और यहाँ पे आपको दिखाएंगे हम। यहाँ पे देखिए इंटर्न गर्ल्स हॉस्टल का हॉस्टल है, देखिए यहाँ पे, और साइड में यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है नया वार्ड के लिए। हर बहुत जगह यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका कैंपस को और बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे जनरल मेडिसिन कॉम्प्लेक्स है, ये NXC ब्लॉक है, यहाँ पे वार्ड NXC ब्लॉक है, ये साइकेट्रिक वार्ड है, यहाँ पे साइकेट्रिक वार्ड है यहाँ पे। अंदर का ये सब डिपार्टमेंट है, यहाँ पे CSTS माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड बैंक, केमिस्ट्री और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे इसी में डाइसेक्शन हॉल है, जहाँ पे स्टूडेंट को डाइसेक्शन सिखाया जाता है। हम लोग आते हैं यहाँ पे लेक्चर हाउस में, लेक्चर बिल्डिंग में आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे PG और UG स्टूडेंट को लेक्चर दिया जाता है। देखिए ये यहाँ पे क्लासेस होते हैं। ये शाम का टाइम हो चुका है, सारे लाइट्स ऑन हो गए हैं। हाँ, बहुत सिस्टमाइज्ड कैंपस है इसका। अब आपको ले चलते हैं, अब आपको ले कर चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। ये देखिए लेक्चर हाउस है, और ये अब यहाँ बगल में लाइब्रेरी है। ये देखिए यहाँ का लाइब्रेरी बहुत सुंदर है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हर एक बिल्डिंग को ऐसे शीशा से बनाया गया, एकदम ऐसे एकदम मॉडर्न स्टाइल में बनाया गया है। ये देखिए लाइब्रेरी ब्लॉक है, इसमें लाइब्रेरी है। यहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगे। देखिए अंदर लाइट्स कैसे दिख रहे हैं, बाहर से अंदर का सब साफ साफ दिख रहा है, सनलाइट जाता है अंदर, एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में है लाइब्रेरी। यहाँ पे कैफेटेरिया है, और यहाँ पे कुछ इसका एक्सटेंशन है, बन रहा है नया नया, हर जगह नया नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखिए लाइब्रेरी का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, यह एक ड्रीम कॉलेज हो सकता है। यहाँ पे ये इतना शानदार इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। बस थोड़ा सा ये कॉलेज थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन यहाँ पे बाकी सब मामले में ये कॉलेज बहुत अच्छा है। ये देखिए ये जो है एडवांस कार्डियक सेंटर, ये इसका फेस, इसका जो एंट्रेंस है वो अंदर से है। ये शाम का समय हो चुका है, अजान सुनाई दे रहा है। देखिए एक व्यू देख लीजिए इसका लाइब्रेरी का, और देखिए शाम को कितना अच्छा। यहाँ पे चारों बगल पेड़ पौधा है, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये चिड़ियों का चहचहाट शाम को आ रहा है। चलिए हम लोग बाहर निकलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
लाइक कर दीजिए, ओवर ब्रिज है और यहाँ पे मेन गेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।